हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटी पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC की ओर से। फाइनली यहां पे टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है आईटी पास फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, और इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.ita.education.com वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आईटी सरकारी नौकरी के सेक्शन से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं गाइज। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग विजिट कर लीजिए ita.education.com वेबसाइट। तो गाइज, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरीके से अपडेट पहुंचाने के लिए। आप लोगों को पता है सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कराता हूं, तो प्लीज़ एक लाइक करके आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं गाइस। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी प्लीज़ एक थम्सअप जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो देख सकते हैं ये है ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस, अभी आ चुका है। और देखिए यहाँ पे ये जो अभी इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, देन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की ओर से ये रिक्रूटमेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में HSFC बोलते हैं। तो एडवर्टिजमेंट संख्या क्या है, HSFC 1 RMT 2024, और यहाँ पे डेट देख सकते हैं 18/9/2024 का, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, तो ये आगे का डेट है, ठीक है। तो इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग रिक्रूटमेंट है। मैं मेनली रूप से आईटी वालों के लिए बात करूँगा, आईटी वालों के लिए कौन सा पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। तो आईटी वालों के लिए टेक्नीशियन बी का रिक्रूटमेंट है, 15 से 22 जो देख रहे हैं सामने में, जो लिखा गया इसके सामने में, इसका ये है पोस्ट कोड, यानी कि अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग पोस्ट कोड होता है। तो आईटी वालों के लिए टेक्नीशियन बी का पोस्ट है और 15 से 22 ये पोस्ट कोड दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो 43 यानी कि 43 पदों पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आप लोग का 10th पास रहना चाहिए, 10th के बाद में आप लोगों ने आईटी कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है NCERT बोर्ड से, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह का जरूरत नहीं है, आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट है, 10th के बाद आप लोगों ने आईटी कर रखा है NCERT बोर्ड में, तो आप लोग एलिजिबल है। यहाँ पे SCBT बोर्ड एलिजिबल नहीं होंगे, ओनली फॉर NCERT बोर्ड ही एलिजिबल होंगे गाइज। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 35 साल रखा गया है, और यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अनुसार, यानी कि आयु में छूट मिल जाएगा। भारत सरकार का जो नियम है एज में छूट का नियम जो है, उनके अनुसार आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे Level 3 का आप लोगों का सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेक्नीशियन बी में टोटल 43 वैकेंसी है, वहीं पे ड्राफ्टमैन बी में भी, यहाँ पे भी आईटी वाले एलिजिबल ही होते हैं जो ड्राफ्टमैन में करते हैं, तो उनके लिए 13 पदों पर वैकेंसी है। इसमें भी आप लोग का आईटी ही मांगा गया है, तो आप लोगों ने ड्राफ्टमैन में आईटी कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बाद बाकी कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा, तो वो आने वाले दिनों में जब फुल नोटिफिकेशन पब्लिश होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा गाइस। मतलब कि शॉर्ट नोटिस में ये डिटेल बताया गया है, और यहां पे ये भी जान लीजिए कि इन्होंने बताया है कि फुल नोटिफिकेशन जो फुल नोटिफिकेशन है इसरो के वेबसाइट पे या HSFC के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, और ये फॉर्म कब से ऑनलाइन भरा जाएगा, तो ये फॉर्म जो है आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 19/9/2024 से, यानी कि 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। और इस फॉर्म को आप लोग लास्ट कब तक भर सकते हैं, तो 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर तक आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, तो आप लोग को अच्छा खासा समय मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो गाइज आप सब तैयार हो जाइए, इसरो का एक नई वैकेंसी यानी कि इसरो HSFC की ओर से टेक्नीशियन बी की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है, तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। बाद बाकी ये शॉर्ट नोटिस ITEducation.com वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइज, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ सबसे पहले, तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा। बाद बाकी मैं बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई वैकेंसी के साथ आईटी वालों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।